हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको नीरज पब्लिकेशन से कैसे पढ़ना चाहिए। ये चीज़ हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था कि नीरज पब्लिकेशन रेफ़र करनी चाहिए या गली बाबा। तो मैंने आपको यही प्रेफर करवाया था कि नीरज पब्लिकेशन में कुछ कुछ चीज़ें डिटेल्ड एक्सप्लेंड होती हैं एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी और बुक में नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि नीरज पब्लिकेशन हमें क्यों बाय करनी चाहिए। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक इजी ओपिनियन मिल जाए और आप एक चीज़ देख सको कि आपको अगर मार्केट से बुक परचेज करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए तो आपको कौन सी बुक परचेज करनी है। एंड यस, ये मैं पहले ही बता दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड येस, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बुक्स दिखाऊंगी जो नीरज पब्लिकेशन की हैं। अब मैं आपको ये रेफ़र करने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई करी हुई है, मैं ये खुद रेफ़र कर चुकी हूँ। नीरज पब्लिकेशन की बुक में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि आपको इसी बुक में सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, जो भी प्रीवियस ईयर का होगा जितने भी, एंड आपको साथ साथ रेफरेंस मटेरियल भी मिलता है, यानी एक्सप्लेनेशन भी दी होती है टॉपिक्स की जो भी आपके कवर होंगे जिस भी ब्लॉक में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो बुक्स हैं मेरे पास, एक MEG की एंड एक MEC की। सो मैं आपको सैम्पल के लिए दोनों बुक्स का मटेरियल दिखा देती हूँ ताकि आपको बहुत आसानी रहे बुक परचेज करने में। सो देख लेते हैं MEG का मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सारे क्वेश्चन एक्सप्लेंड होंगे, सारे टॉपिक्स एक्सप्लेंड होंगे। तो पहले आप देख सकते हो कि अमेरिकन नॉवल टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। तो ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। आप देख सकते हो 2019, 18, 17, 16 एंड सो ऑन 2011 तक ये सारे के सारे सॉल्व आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले आप ये देख सकते हो क्वेश्चन पेपर गिवन है, आंसर्स गिवन है, क्वेश्चन पेपर सेकंड गिवन है, आंसर्स गिवन है, ऐसे ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सेकेंडली, इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, यहाँ पर सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशंस काफ़ी अच्छे से गिवन है। तो आप देख सकते हो आपके कोर्स में ये नॉवल 1 जो भी है, नॉवल 2 जो भी है, नॉवल 3, ऐसे सारे के सारे कोर्सेज की एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे हमने टर्न करा तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है, इंट्रोडक्शन सब कुछ गिवन है, एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक एक्सप्लेन्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी गिवन है। मैं आपको सैम्पल के लिए दूसरी कोड भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये बुक है MEC की, तो सेम पैटर्न फॉलो होगा MEC में भी, या कि आप जो भी कोड लोगे नीरज पब्लिकेशन का आपको सेम पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर गिवन है 2019, 18, 17, 16 एंड सो ऑन टिल 2013। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे सॉल्व मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस नहीं होंगे साथ में आंसर्स भी होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन पेपर, तो इनके आंसर्स आपको मिले हुए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी यही फॉलो हो रहा है पैटर्न, चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन किया गया है जो भी कॉन्सेप्ट है आपके बुक में, तो यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन्ड है। आप इसमें देख सकते हो, आगे टर्न करके देखेंगे हम तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन्ड है। इनफैक्ट इसमें आपको फ्लो चार्ट्स, बार ग्राफ्स, डायग्राम सब मिल जाएगा जो भी इको के पेपर में आता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड होता है, आप ये अच्छे से देख सकते हो। और आपको हर चैप्टर के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल यही पिक कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है एक्सप्लेनेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन गिवन है टॉपिक वाइज। यहाँ पर आपको चेक योर प्रोग्रेस के नाम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप ये ईजीली देख सकते हो। इसके बाद आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आपको यार कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नीरज पब्लिकेशन अपने आप में ही इतनी सारे मटेरियल दे देता है रेफरेंस के साथ, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो भी आपका मटेरियल है वो इसमें कवर हो जाता है। और मैं आपको फिर से बता दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, नीरज पब्लिकेशन हमें कुछ पे नहीं कर रहा है इसके लिए, इट्स जस्ट
कि मैंने ये बुक्स रेफ़र करी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिसगाइड ना हो या कंफ्यूज ना हो अगर आप बुक परचेज करने जाते हैं तो। एंड जितने भी स्टूडेंट्स इग्नू से पढ़ रहे होंगे वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि इग्नू आपको हर टाइम क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता है। अभी तो फिर भी कोविड का टाइम चल रहा है तो क्लासेस बहुत मुश्किल से हो रही हैं। कुछ ही स्टडी सेंटर्स हैं जो क्लासेस कंडक्ट करा पा रहे हैं ऑनलाइन, बट प्री कोविड टाइम्स में भी कुछ स्टडी सेंटर्स क्लासेस नहीं लेते थे। सो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि ये बुक्स आपके लिए एक सेल्फ गाइड है। आप इन बुक्स से पढ़ के अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए यार क्या ही चाहिए होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो सॉल्व हो, और आपका जो भी मटेरियल है जिसको आपको कॉन्सेप्ट को समझना हो वो डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड हो। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो डिफ़िकल्ट नहीं होती, ईजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, तो आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इसको पढ़ने में। आप खुद पढ़ सकते हो, खुद समझ सकते हो। तो आपको सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अलग से बुक खरीदनी पड़ती है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो। तो यहाँ पे आपको एक ही बुक में दोनों चीज़ें मिलती हैं। आप कोई और बुक परचेज़ करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए अलग बुक परचेज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये केस नहीं है। तो यार ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बुक है, आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो, गारंटीड आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप इसे अपना गाइड समझो, आप इस बुक को पढ़ के चले जाओ। एंड मैं इतना बोल दूंगी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है, कुछ कुछ भी हो सकता है यार रीज़न की लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर पा रहे हैं वो, तो आप इतना कर सकते हो कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, अगर आप वो भी सारे पढ़ के चले जाओगे ना नीरज में से, तो आपके अच्छे मार्क्स तब भी आ जाएंगे। अब आते हैं कॉस्ट पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो रेट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको नीरज पब्लिकेशन की बुक का। जैसे आप देख सकते हो MEC की कॉस्ट 240 जा रही है एंड MEG की 400 जा रही है। तो यार अगर आप अलग अलग बुक्स परचेज़ करोगे, सपोज़ आपको कंटेंट के लिए कोई अलग बुक परचेज़ करनी है, तो आप सोचो 200-300 रुपए से कोई बुक कम नहीं आएगी। तो अलग से आप अगर क्वेश्चन पेपर के लिए बुक परचेज़ करोगे तो वो आपको अलग पे करना पड़ेगा, आपको एक ही जगह पे सब मिल रहा है। 240 में, 400 में, 300 में, यही रेंज रहती है इन बुक्स की, तो आप ये इजीली ख़रीद सकते हो। एंड ये अवेलेबल होती हैं स्टेशनरी शॉप्स पर कभी कभी आपको आपका स्पेसिफिक कोड नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा वेट करना होता है, पर वो अरेंज करवा देते हैं, क्योंकि नीरज पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ है इन चीज़ों में, उनकी बुक्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि नीरज पब्लिकेशन की बुक्स हम भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, हमने काफ़ी लोगों को नीरज पब्लिकेशन की बुक्स डिलीवर करवाई हैं। एंड आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हो, हमारा एक नया स्टार्टअप था जो कि अब स्टार्टअप नहीं रहा है, खैर आप लोगों की इतने सपोर्ट से वो थोड़ा काम बढ़ गया है, तो हम स्टेशनरी और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं स्टेशनरी के, कोरियर चार्जेस आपको देने होते हैं बस, बाकी सारा का सारा कॉस्ट जो भी होता है वो आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, कुछ भी MRP पे नहीं मिलता है। आप हमारे थ्रू ऑर्डर कर सकते हो एंड आपके वो घर डिलीवर हो जाएगा, हम यहाँ से सिर्फ कोरियर करवा देते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप हमसे ही परचेज़ करो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले आप अपने आसपास की स्टेशनरी शॉप्स पे देखो, आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप सोचते हो कि हम आपके लिए एक ट्रस्टेड सोर्स हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको MRP पे डिस्काउंटेड रेट्स पे प्रोवाइड करवा सकते हैं बुक्स। एंड पूरी पूरी कोशिश करेंगे, कुछ कोड्स होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं टाइमली, बट हम पूरी कोशिश करेंगे अगर आप हमारे थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको टाइमली आपका बुक मटेरियल मिल जाए। तो यार मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही थी कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, अगर आप मार्केट में जाओ तो आपको 4-5-6 न जाने कितने तरीके की बुक दिखाई जाएंगी, स्टेशनरी वाला आपको बहुत सारी बुक्स दिखा देगा, तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मैटर देख नहीं सकते हो इतनी जल्दी स्टेशनरी शॉप पे खड़े खड़े कि कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो और ईजीली आप बुक बाय कर सको और आप अपने थॉट्स में क्लियर हो और आप जाते ही एक बुक परचेस कर लाओ। तो यार यही मोटिव था इस वीडियो का, एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो एंड ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कि ये बुक्स कैसे परचेज़ करनी है आपको और क्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहती है। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड यस, अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हमारी आईडी है literarynerds_, और आप हमें मेल भी कर सकते हो nerdsliterary@gmail.com पे। हमारी पूरी कोशिश रहती है, एंड अब तक हम सबको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई कर चुके हैं एंड आगे भी करते रहेंगे। सो हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा हैं। एंड आपकी स्क्रीन पे नंबर्स वापस से फ्लैश हो रहे होंगे, असाइनमेंट्स के लिए, बुक्स के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो इन नंबर्स पे प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।